वो शख्सियत माइक पे तशरीफ लाने वाली है जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे बकियातु सलफ शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा हाफिज मसूद आलम साहेब, ये अजीमुल मर्तबत इंसान, आली जनाब, मिल्लत की फिक्र रखने वाले, सिक्का राइजुल वक्त फिल उलमा, मुखलिस इंसान, इलम के पहाड़, चोटी के आलम, ये वो इंसान हैं जिनके बारे में मुहद्दिस अल-असर सैयदना अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिजहुल्लाह फरमाते हैं कि हाफिज साहेब उन शख्सियात में इनका शुमार है कि जिनको देखकर बंदे को खुदा याद आता है। आपसे महवे गुफ्तगू होने के लिए मैं आवाज देता हूँ मोहतरमी मुकरमी सैयदी जनाब हाफिज मसूद आलम साहिब को कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और आपके सामने पंदो नसाई रखें और फिर आखिर में उनकी दुआ होगी। मौसूफ के इस्तकबाल के लिए ये शेर अर्ज करता हूँ। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा नसब, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा के कई शाही ताज जिनके कदमों में पड़े रहते हैं। आपसे माफ़े गुफ्तगू होते हैं मोहतरम जनाब हाफिज मसूद आलम साहेब। आपने मेरे बारे में इतना क्यों कुछ कहा है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इन्नल हमदलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد عزیز گرامی محترم جناب عثمان صاحب بہت ہی شگفتہ بیان اور فصیح اللسان نقیب ہیں اس بزم کے اور میں उन्होंने जो कुछ मेरे बारे में कहा उसके हवाले से अल्लाह की बारगाह में यही अल्फाज अदा करता हूँ कि अल्लाहुम ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून, या अल्लाह इस फ़कीर के बारे में जो इन्होंने कहा है तो इस पर मेरा मुआखज़ा ना फरमाना। वजालनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, और या अल्लाह जो मेरे बारे में ये गुमान रखते हैं या अल्लाह उससे बेहतर बनने की तौफीक अर्ज़ा फरमाना। हकीकत है कि मैं इन अलकाब का और इन औसाफ का हामिल नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, अदना तालिब इल्म, और दीन के खादिमों का खादिम हूँ। इल्म के जो सरताज हैं उनकी खिदमत को मैं सआदत समझता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले इल्म व फ़ज़ल की ज़िंदगियों में बरकत फरमाए और उनके आतफत के साए को सलामत रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका ये इल्मी रूहानी और ईमानी फैज़ जारी रखे। हकीकत ये है कि मैं शायद इससे पहले भी इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ जो शायद पिछले साल था, तो आज ख़ास तौर पर मैं बड़ी खुशी और बहुत ही मसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारे काबिल क़दर बेटे और काबिल फ़ख्र हमारे ये असातिज़ा और कुर्रा
हुफाज और खुद्दाम कुरान इस इलाके के अंदर कुरान मजीद का कुरान मजीद की शमा रोशन किए हुए हैं और कुरान का नूर आम कर रहे हैं। और कुरान मजीद हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल ही इसलिए फरमाया है, जैसा कि हक ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिक, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी है, लितुख्रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेके आए। क्यों? इसलिए कि कुरान के बगैर दुनिया में अंधेरा है। बेशक जितनी मर्जी यूनिवर्सिटियां हों, बहुत बड़े रिसर्च के सेंटर हों, बहुत बड़ी रिसर्च की लेबॉरेटरीज हों और बहुत बड़े बड़े इदारे हों तालीम के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, लेकिन अगर कुरान का नूर नहीं है तो अंधेर है। ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ा बाज़, कुरान मजीद जो इल्म इंसान को देता है और इससे जो इंसान को मारिफत हासिल होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जो ईमान और ईकान और इरफान इंसान को कुरान के ज़रिए हासिल होता है, वो इसके बगैर हासिल नहीं हो सकता। और जिन्होंने कुरान से आंखें बंद की हैं, कुरान से मुंह मोड़ा है, कुरान से ताल्लुक़ तोड़ा है, वो लोग जो ज़िंदगी का सफ़र कर रहे हैं, ये शराब का सफ़र है, ये शराब का सफ़र है। शराब जानते हैं आप, वो चमकती हुई ज़मीन या चमकती हुई रेत या चमकते हुए रास्ते, जो दोपहर के वक़्त मालूम ये होता है कि इस पे पानी की लहरें लहरा रही हैं और पानी जो है चल रहा है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो रोशनी होती है जो वहाँ चमक रही होती है। और इंसान को यूँ महसूस होता है कि ये पानी है। अगर कोई प्यासा उसके पीछे भागता हुआ सारी ज़िंदगी भागता रहे तो उसे पानी का कतरा नहीं मिलता। कुरान की रोशनी के बगैर जो लोग ज़िंदगी का सफ़र कर रहे हैं, वो शराब का सफ़र कर रहे हैं, शराब के पीछे भाग रहे हैं और ऐसे अंधेरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन को रोशनी मुहैया करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, मुनव्विरु समावाति वल अर्द, उसी से इस कायनात के अंदर रोशनी है। और अगर कोई उससे उस पर ईमान नहीं रखता, उससे बंदगी का ताल्लुक नहीं रखता, उससे मोहब्बत की उस्तवारी नहीं रखता, तो वो तो अंधेरे के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसकी ज़िंदगी तारीख है, उसका दिल भी तारीख है और उसकी फिक्र भी तारीख है, उसका सीना भी अंधेरा है और उसकी ज़िंदगी के अंदर भी सिवाय तारीखियों और अंधेरियों के और कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। नूर अगर मिलता है तो अल्लाह पर ईमान से नूर मिलता है, अल्लाह की मारिफत से नूर मिलता है, अल्लाह की इबादत से नूर मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी से नूर मिलता है। अवमन काना मैतन अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, कुरान से ज़िंदगी मिलती है, अल्लाह ने इसको रूह करार दिया है। वकदालिका उहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, एक ज़िंदगी ये है जिसमें दिल धड़कता है और इंसान की आंखें देखती हैं और इंसान के कान सुनते हैं और इंसान हरकत करता और चलता फिरता है, एक ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी तो जानवरों के पास भी है, ये ज़िंदगी जानवरों को भी मिली हुई है। और एक वो ज़िंदगी है जिसके साथ इंसान हकीकत शनास और हकीकत शनास और हकीकत का इदराक रखने वाला और उन गैबी हकीकतों तक पहुंच जाने वाला बन जाता है, जिन तक पूरी दुनिया की साइंस इकट्ठी हो जाए और पूरी दुनिया के मुहक्किक इकट्ठे हो जाए, उन हकीकतों का इदराक नहीं कर सकते जब तक कि कुरान मजीद की और वही की रहनुमाई ना हो। और उनके बगैर इंसान अंधेरे में है। और सबसे बड़ी हकीकत जो है वो इस कायनात की
अल्लाह रब्बुल इज्जत की हस्ती, अल्लाह का वजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रुबूबियत है, अल्लाह की उलूहियत है, अल्लाह के अस्मा व सिफात है। अभी बच्चियाँ, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और अल्लाह ताला इनको खुश नसीब बनाए। ये यहाँ बैठ कर अस्माए हुस्ना सुना रही थी आपको, ये अल्लाह के पाक नाम है। ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान को रोशनी मिलती है, और इसके बगैर इंसान अंधेरे के अंदर, हाँ इनसे इंसान को ज़िंदगी मिलती है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं है, उसकी ज़िंदगी जानवरों वाली ज़िंदगी है, इंसानों वाली ज़िंदगी नहीं है। इंसान की ज़िंदगी तो ये है कि इंसान इस कायनात की गैबी हकीकतों को महसूस करे और उनका मुशाहदा करे, और फिर उनके मुताबिक अपना अमल और अपना किरदार बनाए, अपनी तरजीहात का तायुन करे, और इंसान अपनी ज़िंदगी के लाहे अमल को मुरतब करे कि मैंने किसको मुकद्दम रखना है, किसको दूसरे नंबर पर रखना है, और किसको तीसरे नंबर पर रखना है, और किसको मैंने गुजरगाह के तौर पर लेना है। आज सारी दुनिया इसी दुनिया के ऊपर मेहनत कर रही है, इसी दुनिया को सब कुछ समझा हुआ है कि यही दुनिया सब कुछ है, इसी के लिए सोचना, इसी के लिए पढ़ना, इसी के लिए सीखना, इसी के लिए सरमायाकारी करना, इसी के लिए जिंदगियां लगाना, इसी के लिए ख्वाब देखने, इसी के लिए आरजुएं करनी, इसी के लिए तमन्नाएं करनी, इसी के लिए तड़पना, इसी के लिए दौड़ना और भागना, सब कुछ इसी के लिए है। अल्लाह अकबर। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अल्लाह अकबर, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا। ये लोग जिनकी सारी मेहनत कोशिश इसी दुनिया के अंदर होके रह गई, इसी दुनिया के लिए उन्होंने सब कुछ किया, ضل سعيهم في الحياة الدنيا, उनकी सारी जिंदगी की कोशिशें इस दुनिया में अकारत और नाकारा और बेकार हो गई, जल्ला जाया हो गई, खो गई, इसी के अंदर सब कुछ किया। और जब आंखें बंद होंगी तब अंदर की आंखें खुलेगी और पता चलेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सारी जिंदगी जो करता रहा वो तो जाया और बर्बाद हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर लिया होता, मैंने आगे के लिए कुछ भेज दिया होता। या हसरत अलामा फर्रतु फी जंबिल्लाह, हाय मैंने अल्लाह के बारे में कोताही की, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक बना के रखना है, बंदगी का, मोहब्बत का, फरमा बरदारी का, वफादारी का, उसकी याद का, और उसकी याद में आंसू बहाने का, और कभी उसके सामने हाथ फैला के उससे सवाल करने का, ये ताल्लुक बना के रखना था, इस ताल्लुक की पासदारी करनी थी, इसकी आबियारी करनी थी, इसकी हिफाजत करनी थी, इसकी निगहदाश्त करनी थी, इसको तवाना रखना था, इसको फ़ाल और इसको बरकरार रखना था। इन सारी चीज़ों से गाफिल बस इस पेट के लिए वो जीता है, इस ज़ुबान के लिए जीता है, अपनी अना के लिए जीता है, अपने मफादात के लिए जीता है, अपनी ख्वाहिशात के लिए जीता है, अपनी जिंस के लिए जीता है, अपनी चौधर के लिए जीता है, अपने मफादात के लिए जीता है, अपने जज्बात के लिए जीता है, अल्लाह के लिए उसके पास कुछ नहीं। ये ज़ाय ज़िंदगी है, ये बेकार ज़िंदगी। और सही जिंदगी जो है इंसान को, अवमन काना मैतन, कुरान कहता है ये मुर्दे हैं, ये चलती फिरती लाशें हैं, ये लाशें हैं जो आपको चलते फिरते नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जिंदगी की रमक नहीं है, जिंदगी की रमक नहीं है इनके अंदर, जो कुरान के नूर से और कुरान की हिदायत से बेबहरा है। अवमन काना मैतन फअहयैना हू, भला जो मुर्दा था हमने उसको जिंदा कर दिया, किससे जिंदा किया, रूहम मिन अमरिना, अवहयना इलैका रूहम मिन अमरिना। ये रूह कुरान मजीद ये इंसान के अंदर जब आता है तो इंसान को नई जिंदगी मिलती है, उसकी उमंगें और, उसकी आरजुएं और, उसकी तमन्नाएं और, उसकी चाहतें और, वो और दुनिया को देखता है, ये दुनिया उसकी निगाह में बिल्कुल बेहैसियत हो गई है, इस दुनिया की कोई कीमत नहीं रहती उसके पास। क्यों? इसलिए कि इसका खालिक ये कहता है, जिसने ये दुनिया बनाई है वो ये कहता है, क्या कहता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन, अगर दुनिया अल्लाह के हां मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती होती, मा सका काफिर मिनहा शरबत मा, तो किसी काफर को दुनिया में पानी का घूंट भी ना मिलता।
काफरों के लिए दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हम भी बड़ी चुंधियाई हुई आंखों से और बड़ी ललचाई हुई नजरों से उनको देखते हैं। ये इतने मजे में है, यहाँ दूध की नहरें चलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में, और इस तरह कनाडा में, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी दुनिया मजे में जिंदगी गुजार रही है, और हम भी कहते हैं कि भागे वहां चले जाए, वहां की नेशनलिटी मिल जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे महबूब थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा। अल्लाह जिंदगी तो आखरत की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी तो गुजरगाह है, ये गुजरगाह है। और अल्लाह ने पेशकश भी की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे पेशकश की गई कि अगर मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ हर वक्त मेरे साथ चलें, हर वक्त सोने के पहाड़ मेरे साथ चलें, मेरे दाएं बाएं सोने के पहाड़ चलें मेरे साथ अगर मैं चाहूं। लेकिन मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा है क्या? अल्लाहुम्मा जल रिज़्क आली मुहम्मद इन कूता। या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद का रिज़्क गुजारे का रखना। अहयनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीना। मुझे मिस्कीन जिंदा रखना और मिस्कीनी की हालत से ही दुनिया से ले जाना। जब आखिरी वक्त आया तो मेरे आका के घर में जो दिया था उसमें जो चिराग जल रहा था उसमें तेल नहीं था, पड़ोसियों से उधारा मांग के उसमें तेल डाला गया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिरा जो थी वो एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी कि आपने उससे कुछ उधार लिया हुआ था, और उधार भी क्या लिया था? जौ के कुछ टोपे उधार लिए हुए थे। अल्लाह अकबर। कुछ नहीं छोड़ा, और जो कुछ था वो अपनी जिंदगी में सदका कर दिया। अब माल और दौलत छोड़ के नहीं गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल और दौलत छोड़ के नहीं गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेशकश की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अम मलिकन रसूलन अम अब्दन रसूला। आप कैसा रसूल बनना चाहते हैं? नबुवत और रिसालत हमने दी है, इस नबुवत और रिसालत के साथ आप क्या चाहते हैं? मलिकन दुनिया का बादशाह बना दे, शाना ठाट बाट दे दे, ये जाओ हशम दे दे आपको, ये खदम और ये चाओ, ये चाकूश और ये आगे पीछे आपके हटो बचो वाले करने वाले सारे आपके साथ कर दे, क्या आप ये चाहते हैं? हम अब्दन रसूला, या अल्लाह के बंदे रसूल बनना चाहते हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से मशवरा लिया, उन्होंने कहा यहाँ जितने नीचे हो जाएंगे इतने ऊंचे हो जाएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दन रसूला, जमीन पे बैठ के खाना खा लेते थे, जमीन पे बैठ के खाना खा लेते थे, और जमीन पे गिरा हुआ लुकमा उठा के झाड़ के खा लेते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वक्त आता था कि खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता था, नौ के नौ घरों में पूछा जाता है मेहमान आया है कोई खाने की चीज है, जवाब मिलता है कोई खाने की चीज नहीं। महीने गुजर जाते हैं, दो दो महीने, पहला चांद आया गुजर गया, दूसरा आया गुजर गया, तीसरा आया गुजर गया, घर में चूल्हे में आग ही नहीं जली, पकाने के लिए कोई चीज नहीं। तो पूछा गया करते क्या थे आप? कहते थे खजूरें और पानी, अल्लाह स्वदान खजूरें और पानी। ये जिंदगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम जिस जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं, जिस जिंदगी को हमने अपना मतलूब मकसूद बनाया हुआ है, और जिस जिंदगी के लिए हम हर वक्त तड़प रहे हैं, हर वक्त बिलक रहे हैं और उसके पीछे भागे हुए, अल्लाह अकबर। वो ये दुनिया की चमक दमक वाली और ये दुनिया की रेल पेल वाली और ये दुनिया की भागो बहार वाली जिंदगी है। लेकिन मेरे भाइयों ये जिंदगी बड़ी नापायदार है, ये जिंदगी बड़ी बेवफा जिंदगी है, मिलती है फिर छिन जाती है, ना भी छिने एक वक्त आता है कि इंसान सारा कुछ छोड़ के चला जाता है, और इसमें से कोई चीज इंसान के साथ जाने वाली नहीं, इंसान के साथ जाने वाली ये तिजारत है। जो ये कारी, क्या नाम, सरवर साहब, कारी सरवर साहब और कारी शकील साहब और कारी नसीमुल्ला हिजाजी साहब और कारी सईदुल्ला सईद साहब और कारी अजीम अख्तर साहब, और माशाल्लाह ये लोग जो तिजारत कर रहे हैं, ये असल तिजारत है जो बंदे के साथ जाएगी, ये काम आने वाली तिजारत है, ये वो तिजारत है तिजारत अल्लन तबूर, जिसमें नुकसान है ही नहीं, अल्लाह अकबर। और ये अजर सवाब बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, इसलिए कि जिन बच्चों ने पढ़ा ये पढ़ेंगे, इनके पढ़ने का सवाब इन उस्तादजा को भी मिल रहा है, और इन उस्तादजा के साथ तआवुन करने वाले इन अहले खैर और मोहसिनीन को भी मिल रहा है, और
इनके माँ बाप को भी मिल रहा है और इनके माँ बाप के माँ बाप भी जो मुसलमान थे, अहले तौहीद थे, अहले सुन्नत थे, उनको भी मिल रहा है और ऊपर तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। जो नस्लें हैं वो तो भूल गए, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का निज़ाम है, इनके पढ़ने से उनको भी सवाब मिल रहा है। ऐसी तिजारत है कुरान मजीद की तिजारत। कुरान मजीद बेचना नहीं है और कुरान मजीद को कमाई का जरिया नहीं बनाना, कुरान मजीद को लोगों की इस्लाह का जरिया बनाना है। अल इस्लाह, लोगों को सुधारना, लोगों को संवारना, उनकी अकीदे को संवारना, उनकी इबादात को दुरुस्त करना, उनके मुआमलात को दुरुस्त करना, उनकी सीरत और किरदार को दुरुस्त करना, उनकी सोच और फिक्र को दुरुस्त करना और उनके अखलाक और आदाब को दुरुस्त करना। ये कुरान इस्लाह की किताब है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई है कि इसके मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी को बदले और इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को ले कर चले। अल्लाह ने फरमाया वमन काना मैतन फहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको कुरान से ज़िंदगी देता है और उसको ऐसी रोशनी फराहम करता है कि जिस रोशनी के अंदर वो लोगों में चलता फिरता है, वो मनारा नूर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को रोशनी के मीनार बनाए। अल्लाह ताला इन्हें सीरत और किरदार के ऐसे मीनार बनाए कि लोग इनको देख देख के इनकी इनकी सीरत से रहनुमाई लें और कहें कि ऐसे बच्चे होने चाहिए, और इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे इंशाल्लाह। रात भी मैं एक प्रोग्राम में था, उन बच्चों को देख देख के दिल बाग बाग हो रहा था कि कैसी आदमगरी है, कैसी इंसान साजी है, कैसी की सीरत और किरदार साजी है इन हजरात की कि इन बच्चों पे मेहनत करते हैं। और ये बेचारे जो गलियों में घूमते हैं, जैसे कारी अजीम अख्तर साहब कह रहे थे, किसी को गाली देते हैं, किसी की खिली उड़ाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की गाड़ी को पत्थर मारते हैं और किसी पे पानी फेंकते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की नकलें उतारते हैं, ये इनको पकड़ते हैं और इस दरसगाह के अंदर, इस तालीम गाह के अंदर, इस सीरत साजी के इदारे के अंदर, जो इंसान साजी का इदारा है, जहाँ इंसानों को इंसान बनाया जाता है, ये इन्हें क्या से क्या बना देते हैं, ये इन्हें क्या से क्या बना देते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनको बरकत दे। कुरान अजीम किताब है, ये नूर है, कुरान नूर है, कुरान जिंदगी है, कुरान रोशनी है और कुरान अल्लाह का वाज है, ये अल्लाह का वाज है। आप उलमा के वाज सुनते हैं, आप बड़े बड़े मुकर्रर और बड़े बड़े खतीबों के मवाइज सुनते हैं, लेकिन कुरान अल्लाह का वाज है। और ये ऐसा वाज है, मर्द नाजक पर कलाम, मर्द नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर, तेरे ऊपर तो इसका असर नहीं होता, लेकिन ये अल्लाह का आवाज़ इतना पुरतासीर है। अल्लाह ने फरमाया लो अनजलना हाजल कुरान आला जबलिन, अगर पहाड़ इसके मुखातब होते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, फट जाते, खाशियां मुतसद्दियां मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह उनसे मुखातब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये आवाज़ है। इसलिए इस कुरान को समझा करो। आप सारे कुरान मजीद की तिलावत करते हो, लेकिन कोशिश किया करो तर्जमा के साथ कुरान मजीद को समझा भी करो, साथ थोड़ा पढ़ लिया करो, समझ के पढ़ा करो और कुरान मजीद को सही पढ़ा करो। ये अल्लाह का कलाम है, इसका हक है कि इसकी तकरीम और ताजीम की जाए, इसका एहतराम किया जाए, इसका तकद्दुस मलहूज रखा जाए, इसे बिगाड़ के ना पढ़ा जाए, इसको उसी तरह पढ़ा जाए जैसे अल्लाह ने उतारा है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए कुरान सिखाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह पढ़ते थे जैसे जिब्रील अमीन ने सिखाया था, और सहाबा को पढ़ाया वो भी उसी तरह पढ़ते थे जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ाया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, हमारी सनद उन तक पहुँचती है, हम जो हाफिज़ हैं, हमारी सनद अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत उस्मान इबन अफ़ान, हज़रत ज़ैद इबन साबित, हज़रत उबई इबन काब, हज़रत अली इबन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन हज़रात तक हमारी सनद पहुँचती है और इनके वास्ते से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ के जिब्रील अमीन के वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ जाते हैं। ये कुरान के हाफिज़ जो हैं, ये बड़ी ऊंची नस्बत रखते हैं, ये बड़ा बड़ा ऊंचा मकाम है इनका, और वाकईतन ऊंचा मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खासतुहु, जो कुरान वाले हैं ये अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के खासुल खास हैं। दुनिया वाले अगर इनको नहीं पूछते, इनकी कदर नहीं करते, तो इन्हें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका कदरदान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी
इज्जत अफजाई फरमाएगा, अल्लाह इनकी इज्जत बढ़ाएगा और सारी दुनिया देखेगी। बादशाहों के ताज खत्म हो जाएंगे, इनके प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे, इनके हटो बचो कहने वाले सारे साथ छोड़ जाएंगे, इनके वोटर, इनके सपोर्टर और इनके हमायती और इनके साथी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, कुरान का साथ खत्म नहीं होगा। खबर से निकलेगा कुरान पढ़ने वाला, कुरान का कारी और कुरान का हाफिज, कुरान उसका इस्तकबाल करेगा और उसे पकड़ के उसका हाथ अल्लाह की बारगाह पे ले जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान उसका इस्तकबाल करेगा और उसको अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा और कहेगा या अल्लाह ये मेरा साथी है, मैंने दोपहरों में इसे प्यासा रखा और रातों में इसे जागता रखा, रातों को सोता नहीं था, तिलावत करता था, क्याम करता था, दोपहरों को कुरान याद करता था, या अल्लाह आज ये मेरा साथी तेरी बारगाह में हाजिर है तो मेरी दरख्वास्त है मैं तेरा कलाम हूँ तो इसकी इज्जत बढ़ा। तो उसके सर पे वकार का ताज रखा जाएगा और उसके हाथ में जन्नत की बादशाही दी जाएगी और एक हाथ में ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये बादशाही हमेशा हमेशा के लिए तेरी है। और उसके वालिदैन को भी बुलाया जाएगा जैसे इन मोहतरम को बुलाया गया और इन मोहतरम को बुलाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके वालिदैन को ऐसा लिबास पहनाया जाएगा, ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि सारी दुनिया उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती, उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी, दुनिया सारी देखेगी, अल्लाह इनकी शान बढ़ाएगा। इसलिए कि अल्लाह की निगाह में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला में जो आपने हमें इत्तला दी है, इंफॉर्मेशन दी है, वो क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। मन तअल्लमल कुरान सीखते हैं वअल्लमा और सिखाते हैं, ये हजरात बेहतरीन लोग हैं, इंसानों में बेहतरीन लोग ये हैं जो कुरान सीखने और सिखाने वाले हैं और इनका अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया इन्ना मिन इजलालिल्लाह, अल्लाह की इज्जत मानना, अल्लाह की अजमत और जलाल को मानना, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई को मानना, उसका तकाजा ये है कि हामिल कुरान, हाफिज कुरान, कारी कुरान, खादिम कुरान की इज्जत की जाए, उसकी इज्जत की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी इज्जत बनाई है, पढ़ाई है, इनको बड़ा शान और मर्तबा अता फरमाया। तो कुरान बहुत बड़ी खैर और बरकत है, इसका सुनना बरकत और रहमत, इसका पढ़ना रहमत और बरकत, और इस पर अमल करना सरासर खैर, सरासर बरकत, सरासर रहमत। अल्लाह अकबर। इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, कुरान पढ़ा जाए तो खामोश होकर, मुतवज्जे होकर सुनो, अल्लाह की रहमतें तुम पर बरसेंगी। और जब किसी अल्लाह के घर में, किसी मदरसे में, किसी तालीम गाह के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ कुरान पढ़ने वाले जमा होते हैं, यतलून किताब अल्लाह व यतदारसून हु, कुरान की तिलावत करते हैं और उसका दर्स लेते हैं, उसको समझते थे, समझाते हैं, समझते और समझाते हैं। अल्लाह अकबर। गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उनको ढांप लेती है और इनकी वजह से उस इलाके के ऊपर, उस मोहल्ले के ऊपर, उन गलियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें साया फगन रहती हैं। और जब दुनिया से कुरान उठ जाएगा, कुरान पर अमल उठ जाएगा, कुरान का इलम उठ जाएगा, कुरान पढ़ने वाले उठ जाएंगे, अल्लाह अकबर, तो फिर दुनिया का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया की बिसात लपेट दी जाएगी। तो कुरान पढ़ने वालों पर अल्लाह की रहमत, गशियत उमर रहमा, और सकीनत व इत्मीनान का नुजूल होता है उनके ऊपर। वहाजा किताब अंजलनाहु मुबारकुन फत्तबिउहू वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, ये बाबरकत किताब हमने उतारी है, ये कुरान बरकतों का खजाना है। बरकत का माना क्या होता है? खैर की बोतात, खैर की फरावानी, खैर की कसरत और खैर की अरजानी और खैर का सबात और खैर का दवाम और उसका इस्तिमरार और उसका सबूत के खैर बाकी है, खत्म नहीं होती, कायम है और शर मिट जाते हैं। आज हर तरफ शर का दौर दौरा है, इसलिए कि कुरान को छोड़ा हुआ है। इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, आज कुरान के ऊपर खर्च नहीं होता, कुरान की तालीम गाहों पर खर्च नहीं होता, बड़े बड़े स्कूलों पर बड़ी बड़ी फीसें, बड़े बड़े उनके खर्चे और बड़े बड़े उनके बजट, उनके ऊपर खर्च होता है, लेकिन कुरान के मदरसे के लिए
अल्लाह अकबर, इन बेचारों को लोगों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इस सिलसिले को चलाना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ दे। ज्यादा से ज्यादा हमें कुरान की तालीम का एहतमाम करना चाहिए था, जो इंसान को जिंदा करने वाली तालीम है, इंसान को रोशनी देने वाली तालीम है, इंसान को इंसान बनाने वाली तालीम है। इस तालीम के बगैर आप जितना पढ़ा लें वो जानवर होगा या जानवर से भी बढ़कर शैतान बन जाएगा। ये इंसान को इंसान बनाने वाली तालीम कुरान की तालीम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन इदारों को बरकत अता फरमाए। और ख़ास तौर पर ये अल इस्लाह कुरान इंस्टीट्यूट, यानी अल इस्लाह माहदुल कुरान, यानी इस्लाह के लिए जिसमें इंसान के तमाम पहलुओं से उसकी इस्लाह होती है। कुरान की तालीम ऐसी है, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये किताब हिदायत है। अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा, ये सब लोगों के लिए हिदायत है। हाजा बयानुल लिन्नासि वहुदन, फरमाया ये लोगों के लिए वजाहत है और लोगों के लिए हिदायत है। तो जो इस हिदायत के मुताबिक लेता है, अपनी ज़िंदगी को चलाता है, इससे हिदायत लेकर, रहनुमाई लेकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जालहू अमामहू, मन जालहू इमामहू, जो इसको अपना रहबर और हादी बना लेता है, जिसको अपने आगे रखता है और इसके मुताबिक चलता है, कुरान उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाता है। कादहु इलल जन्ना, कुरान उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। अमन जालहू वरा ज़हरी, और जिसने कुरान को पीठ पीछे फेंक दिया, देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तवज्जो नहीं की, कुरान से मुंह मोड़े रखा, उससे ताल्लुक तोड़े रखा, उसको नज़रअंदाज किए रखा, कभी उसकी परवाह ही नहीं की, तो फिर कुरान की बेकदरी की, तो इस नाकदरी और इस कुरान की कुरान से बेताल्लुकी का नतीजा क्या निकलेगा कि कुरान जहन्नम में हांक के ले जाएगा कि तूने कुरान की कदर नहीं की थी, कुरान से ताल्लुक नहीं जोड़ा था। साका हु इलन नार, हांक के जहन्नम की तरफ ले जाएगा। अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुरान या तो तेरे लिए हुज्जत है, अगर तूने कुरान को पढ़ा, समझा, जाना और फिर उसके उसको माना और उसके मुताबिक अमल किया और उसको अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाया, अपनी ज़िंदगी का लाया अमल बनाया, अपनी ज़िंदगी का कानून बनाया, अपनी ज़िंदगी का ज़ाब्ता बनाया, अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक, कुरान के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर की और कुरान की हदूद के अंदर ज़िंदगी गुजारी, उनसे तजावज़ नहीं किया, कुरान को अपना रहबर बनाया, तो कुरान तेरे लिए हुज्जत है, कुरान तेरा सफारशी है, कुरान तेरा हिमायती है, कुरान तेरा वकील है, तेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में पेश होकर तेरी सिफारिश करेगा, और जिसकी कुरान ने सिफारिश कर दी उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह अकबर। अल कुरान शाफ़ेउन मुशफ़ाउन, कुरान ऐसा सिफारशी है जिसकी सिफारिश करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत का वारिस बना दे। हाँ, और ये भी याद रखो माहिलुन मुसद्दकुन, और कुरान ऐसा दावेदार है, ऐसा मुद्दई है, ऐसा फरीके मुखालिफ बन के खड़ा होगा, जिसने कुरान से ताल्लुक तोड़ा, जिसने कुरान से मुंह मोड़ा, जिसने कुरान को छोड़ा, जिसने कुरान से एराज किया, उसकी जिंदगी भी तंगी की जिंदगी, मनारदान दिक्री फैनलहू मईशतन ज़ंका, जिसने कुरान से एराज किया अल्लाह उसकी जिंदगी को तंगी की जिंदगी बना देता है। आज पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरे मुल्कों के सामने कशकोल लिए फिरता है, किस लिए? हमने कुरान छोड़ा हुआ है, कुरान को अपना सुप्रीम लॉ नहीं बनाया, कुरान को अपना दस्तूर नहीं बनाया। अगरचे करारदाद मकासद को कुरान दस्तूर का हिस्सा बना दिया गया है, लेकिन एक जस्टिस ने यह ऐलान करके कि कोई भी जो क्लाज है दस्तूर की वो बरतर नहीं है, सब बराबर हैं, किसी को ख़त्म भी किया जा सकता है, किसी को बदला भी जा सकता है, हालांकि कुरान वो किताब है। अल्लाहु अकबर। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकम व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के कलिमात को बदलने का किसी के पास अख्तियार नहीं, इनका यही हक है कि इनको अमल में लाया जाए और इनके मुताबिक जिंदगी के निज़ाम को चलाया जाए। कोई बदल नहीं सकता इसको, ना कोई सेनेट बदल सकता है, ना कोई नेशनल असेंबली बदल सकती है, ना कोई रियासत बदल सकती है। ला मुबद्दिल लिकलिमाति ला, अल्लाह की बात को बदल सकता है? वो है अल मलिकुल हक, इस कायनात का सच्चा बादशाह, जिनको मिली हुई है उसकी बादशाही बनवाने के लिए मिली हुई है, और अगर उसकी नहीं मानेंगे तो ये नाक रगड़ते रहेंगे, जलीलो खार होंगे, कभी इज्जत नहीं मिल सकती। वो दुनिया में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक़े कुरान। अल्लाह अकबर। तो कुरान मजीद ये
अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कानून है, इसके मुताबिक अगर इंसान ने जिंदगी गुजारी तो हुज्जतुन लका, ये तेरे लिए हुज्जत बनेगा, और हुज्जतुन अलैक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाफ़ेउन मुशफ़ाउन, ऐसा सिफारिशी है जिसकी सिफारिश पर इंसान की निजात हो जाएगी, इंसान कामयाब हो जाएगा। वमाहिलुन मुसद्दकुन, और ऐसा दावेदार है जिसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत डिग्री कर देंगे और फैसला कर देंगे कि ले जाओ इसको जहन्नम में। और जहन्नम के अंदर भी लोगों की सिफारिश की जाएगी और उनको निकाला जाएगा जहन्नम से। और फिर जहन्नम के अंदर कौन हो जाएंगे? मन हबसहुल कुरान, जिनको कुरान ने जहन्नम में रोक रखा है, उनकी कोई सिफारिश भी नहीं करे और उनके लिए किसी की सिफारिश कबूल भी नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से ताल्लुक बनाओ, खुद भी सीखो कुरान, खुद भी पढ़ो कुरान, अपने घरों में भी कुरान का माहौल बनाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, बड़ी ख्वातीन भी पढ़ें, बड़े बुजुर्ग भी पढ़ें। जैसे कारी साहब ने ऐलान किया, मोहतरम उस्मान साहब ने भी ऐलान किया कि हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत फरमाए, कारी सैफुल्ला साहब रियाज में होते हैं, वो माशाल्लाह बड़ा शौक है उनको लोगों को कुरान पढ़ाने का। वो लोगों को कहते हैं कि आप जिस वक्त कहें, रात के किसी वक्त में, दिन के किसी वक्त में, जहां आप कहें मैं वहां आके आपको कुरान की तालीम देने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोग हैं जो लोग कुरान मजीद की तालीम देते हैं। इन्होंने भी कहा जिस वक्त भी कोई आए हम उसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आइए कुरान पढ़े, अल्लाह अकबर। और कुरान का पढ़ना सच्ची बात है, इस जुबान से जब कुरान के अल्फाज अदा होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ने वाले का कुरान सुनते हैं और अल्लाह के फरिश्ते उसका मुंह चूमते हैं। अल्लाह के फरिश्ते कुरान पढ़ने वाले का मुंह चूमते हैं और उसको अजर मिलता है, सवाब मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियां लिखते हैं, नेकियां लिखवाते हैं, फरिश्ते लिखते हैं नेकियां। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, अलिफ मुस्तकिल हरफ है, लाम मुस्तकिल हरफ है, मीम मुर्ग मुस्तकिल हरफ है। जब ये हरफ हरूफ कोई पढ़ने वाला पढ़ता है तो हर एक हरफ पर दस दस नेकियां लिखी जाती हैं, दस दस नेकियां लिखी जाती हैं। तो कुरान मजीद बच्चा पढ़ता है उसकी भी नेकियां लिखी जाती हैं। अभी वो छोटा बच्चा इधर आया था जो यहाँ आकर पहला अव्वल इनाम लेके गया, बिल्कुल छोटा बच्चा था, इसने आकर कुरान पढ़ना शुरू किया, इसकी नेकियां लिखी जा रही हैं और इसकी अम्मा की भी लिखी जा रही हैं और इसके अब्बा की भी लिखी जा रही हैं, दादा की लिखी जा रही हैं, दादी की भी लिखी जा रही हैं, नाना की भी लिखी जा रही हैं, नानी की भी लिखी जा रही हैं। और जो बहनें तैयार करके भेजती हैं और जो भाई छोड़ के जाते हैं, इंशाल्लाह उनको भी इसमें से हिस्सा मिलता है, उनको भी इसमें से हिस्सा मिलता है। तो कुरान पढ़ें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, कुरान सीखें और समझें भी और अमल भी करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी बदल जाती है मेरे भाइयों। हम सच्ची बात है कुरान से मुंह मोड़ के अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शिरक के अंधेरे हैं, जिहालत के अंधेरे हैं, तवहम परस्ती के अंधेरे हैं और दुनिया परस्ती के अंधेरे हैं, ख्वाहिशात परस्ती के अंधेरे हैं। इतने अंधेरों के अंदर इंसान ज़िंदगी के अंदर भटकता फिरता है। आइए कुरान की तरफ, कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, ये अल्लाह की तरफ से रोशनी तुम्हारे पास आई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के आफ्ताब आलम ताब हैं। या अय्युहन नबियु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का सिराज मुनीर, रोशन आफ्ताब है, जिनकी आमद से, हिदायत की वजह से पूरी दुनिया रोशन होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पे छोड़ के गए, तरक्तुकुम अल महज्जतिल बैदा, मैं तुम्हें उस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ, लैलुहा का नहारिया, जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है, और लैलुहा व नहारुहा सवा, दिन और रात दोनों बराबर है, दोनों बराबर है रोशनी में, यानी रात तारीख नहीं है, रात भी रोशन है, दिन भी रोशन है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये आपकी सीरत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, ये रोशनी है। और कुरान रोशनी, कुरान रोशनी है। इस रोशनी से अपने दिलों को रोशन कीजिए, अपने सीनों को रोशन कीजिए, अपने फिक्र को और अपने दिमाग को रोशन कीजिए, अपनी जिंदगी और अपने घरों को रोशन कीजिए। और कुरान के बगैर ना जिंदगी है ना रोशनी है, कुरान से जिंदगी है और कुरान से रोशनी है। कुरान की तरफ आइए और इन इदारों से जुड़िए, इनको मजबूत कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए और इनके दस्तों बाजू बने, इनके पासबान बने, इनके निगहबान बने, इनके खादिम बने, इनके साथी बने, इनको सपोर्ट करें और इनको तवाना रखें, इन्हें फाल रखें और इन्हें कहें कि आप कुरान की खिदमत करें, फिक्र ना करें, तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी हम लेते हैं।
अपने घर की रहते हैं और फिर इनमें तो यतीम भी पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। वो बच्चे बेचारे जो मजबूर हो जाते हैं कि बर्तन जाके होटलों पे साफ करें या साइकिलों के और मोटरसाइकिलों के पंक्चर लगाएं या और जाके छोटी मोटी मजदूरियां करें, उन्हें यहाँ बिठाकर कुरान पढ़ाते हैं कि वो अपने जाने वाले बाप के लिए सदका जारिया बन जाए, उसकी कब्र में उसको कुरान का अजर सवाब पहुँचता रहे और अपनी बेवा माँ का सहारा बन जाता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या शान देता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे, कुरान हिफ्ज़ किया, हदीसें हिफ्ज़ की, अल्लाह ने दुनिया का इमाम बना दिया। मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई वो भी यतीम थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिका और हदीस और कुरान और लुगत के उलूम का इमाम बना दिया। और हमारे उस्तादुल असातिज़ा हज़रत हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी यतीम थे, कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, हदीसें हिफ़्ज़ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वक़्त का ऐसा मुहद्दिस अजीम बना दिया कि हमारे सब के उस्तादों के उस्ताद वो हैं, उन्हीं के वास्ते से हमारी सनद आगे जाती है। इन यतीमों के ऊपर मेहनत करते हैं और इसी तरह बच्चियों को भी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो इन इदारों के साथ तआमुल करें, इनके साथ जुड़े रहें, इनसे मोहब्बत करें, इनका एहतराम करें, इनके साथ लगाव रखें, इनके लिए इनकी खबरगिरी करते रहा करें, पूछते रहा करें, कोई ज़रूरत बताएं, कोई मसला हो तो बताएं, और इनको वसी जगह दें ताकि हमारे बच्चों की तरबियत हो, हमारे बच्चों की तालीम हो और हमारे बच्चे जो हैं वो इंसान बने, हमारे लिए भी आँखों की ठंडक बने और हमारे कहने वाले फरमा बरदार भी बने और जब हमने मरना है तो हमारे लिए इनकी नेकियां भी पहुंचती रहें। ये दुआ करेंगे रब्बे फिरली वली वालिदैया रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये जिनको आपने साइंस पढ़ाई है, ये जिनको आपने पुलिस में या फौज में भर्ती करवाया है, पता नहीं ये तेरे जनाजे के ऊपर आएंगे तो तेरे लिए मगफरत की दुआ भी कर सकेंगे या ना कर सकेंगे, लेकिन इनकी नेकियाँ तुझे पहुँचेंगी इंशाअल्लाह। इनके ऊपर मेहनत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। और ये जो साथी कोशिश कर रहे हैं, कारी सरवर साहब और मौलाना अब्दुल हक साहब और इसी तरह वो हमारी मोहतरमा बहन साहिबा, अल्लाह अकबर, जिनके मियाँ ने ये जगह वक़्फ़ की थी और उनका बड़ा अरमान था, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनको खुशियाँ हो रही होंगी, वो इंशाअल्लाह अपनी कब्र में खुश हो रहे होंगे जब रोज़ उनका दर्जा बढ़ता है। जितने लोग कुरान पढ़ते हैं मालूम नहीं कितनी नेकियां उनके नाम अमल में सबत होती है। कितने बच्चे हैं जी कुरान पढ़ने वाले हैं, माशाल्लाह 30 नाजरे वाले हैं, 13 हिफ्ज़ वाले हैं, पूरा जितना कुरान पढ़ा जाता है लाखों करोड़ों तक अजर व सवाब पहुंचता है। ये इंशाल्लाह क्या नाम था उनका, मुनव्वर हुसैन कंबो साहब, अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारी बहन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ज़्यादा तौफीक से नवाजे और अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए कि माशाल्लाह उन्होंने वफा की। और वफा यही है कि जो पौधा लगा जाए साथी उसकी आबियारी की जाए, उसकी आबियारी की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को साहिब कुरान बनाए, साहिब किरदार बनाए, दीनदार बनाए, फरमा बरदार बनाए, वफादार और शुक्रगुजार बनाए, अपना भी और अपने दीन का भी और माँ बाप का भी और मुल्क व कौम का भी, मिल्लत व वतन का भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको वफादार बनाए। बस मैं अपनी गुजारिशात, मेरे दिल की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा अच्छा माशा, आइए जी कारी साहब अपना इनाम वसूल कर लें। कारी उस्मान गनी साहब माशाल्लाह बारकल्ला फीक, ये तेरे कारी साहब नहीं है माशाल्लाह, ये बड़े अदीब भी हैं और बड़े खतीब भी हैं माशाल्लाह बारकल्ला फीक माशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए आपका आना और मोहब्बत के साथ बैठना, और इन बच्चों को जिन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया है अल्लाह इन्हें कुरान का हाफिज़ भी बनाए, मुहाफ़िज़ भी बनाए, कुरान के हरूफ़ के भी हाफिज़ हों और कुरान के अहकाम और हुदूद के भी हाफिज़ हों, वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बनाए, सदका जारिया बनाए, असातिज़ा के लिए, इदारे के लिए और इदारे के मुआविनीन और मोहसिनीन के लिए, आले खैर के लिए और इलाके के लिए खैर व बरकत का बायस बनाए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले, ये नमाज़ें पढ़ने वाले, ये अल्लाह अल्लाह करने वाले, ये पूरे इलाके के लिए यकीन जानिए खैर व बरकत का बायस होते हैं। इनकी वजह से अल्लाह की रहमतें आती हैं और आफतें टलती हैं। और अगर अल्लाह के नाम लेने वाले ना हों और बुराइयाँ और शर फैलाने वाले हों तो इलाके मुसीबतों की आमाजगा बन जाते हैं, मुसीबतों का मरकज बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अल इस्लाह कुरान इंस्टीट्यूट को वाकई उम्मत की इस्लाह का इदारा बना दें,
जिससे पूरे इलाके की इस्लाह हो और ये इस्लाह जो है इस इलाके से फैलते हुए शहर तक पहुंचे और शहर से पूरे मुल्क तक पहुंचे और पूरे मुल्क से पूरी दुनिया तक पहुंचे और ये रूहानी फैज अल्लाह रब्बुल इज्जत का बढ़ाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। माशाल्लाह दो बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया है और आखिरी सबक उन्होंने सुनाया है और ख़त्म कुरान पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। आप सब मिलकर दुआ कर दें इस इदारे के लिए और अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए। अल्लाहुम्म अरहमना बिल कुरान अज़ीम वन्फ़ना बिल कुरान, अल्लाहुम्म अरहमना बिल कुरान अज़ीम वन्फ़ना बिल कुरान अज़ीम वरहमना बिल कुरान अज़ीम वरफाना बिल कुरान अज़ीम। अल्लाह कुरान के जरिए हम पर रहमत फरमा, अल्लाह हमारे लिए कुरान को नाफे बना दे, बहुत ही नफा बख्श बना दे और या अल्लाह हमारा मकाम और मर्तबा इस कुरान के साथ बुलंद फरमा दे। तेरे नबी ने फरमाया था इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहाज़ल किताब अक़वामा, अल्लाह कुछ लोगों को इस कुरान से सर बुलंद और सरफराज फरमा देता है। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। अल्लाह कुरान को ऊंचा करने की हमें तौफीक अता फरमा और इस कुरान की खिदमत के साथ हमें भी ऊंचा फरमा दे, अपने बंदों में शामिल फरमा ले, कुरान के खादमों में शामिल फरमा ले। अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है अल्लाह इनको ज़ब्त इत्कान के साथ कुरान याद रखने की और हमेशा इसकी तिलावत करने की और हमेशा इसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने की और अमल करने की तौफीक अर्ज़ा फरमा। वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बना, उनके लिए सदका जारिया बना, इस इदारे के लिए भी सदका जारिया और नेक नामी का बायस बना और या अल्लाह जो पढ़ रहे हैं उनको भी कामयाब फरमा। नाजरा पढ़ने वाले, हिफ्ज करने वाले बच्चे बच्चियाँ या अल्लाह उन सब के ऊपर रहमत फरमा और उन्हें दीन वाले बना और उन्हें साहिब ईमान साहिब सीरत साहिब किरदार बना। और या अल्लाह जो अहबाब यहाँ खिदमत कर रहे हैं असातिज़ा कुर्रा और हुफाज, या अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे, या अल्लाह इनकी सलाहियतों में बरकत अता फरमा, या अल्लाह इनको मज़ीद तौफीक से नवाज और या अल्लाह इनको खजाना गैब से वसाइल अता फरमा, ये इस इदारे को वसत दे सकें, इस काम को फैला सकें बढ़ा सकें, या अल्लाह यहाँ तेरा घर भी बना सकें और इस इदारे को भी वसत दे सकें। या अल्लाह इनकी मदद फरमा, या अल्लाह खजाना गैब से इनको वसाइल अता फरमा और या अल्लाह जितने तेरे बंदे और बंदियाँ या अल्लाह यहाँ आए हैं तेरे बात सुनने के लिए, तेरे पैर नबी की बात सुनने के लिए, तेरे कुरान से कुरान की मोहब्बत लेकर तेरे दीन की मोहब्बत लेकर आए हैं, या अल्लाह इनका आना कबूल फरमा, या अल्लाह इनको वो खुशखबरी इनके लिए मुकद्दर फरमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि जब इल्म और जिक्र की मजलिस में लोग आते हैं तो आप फरिश्तों से पूछते हैं कि ये किस लिए आए हैं, तो हम तो या अल्लाह जन्नत के लिए आए हैं, जन्नत के तलबगार बन के आए हैं, जहन्नम से बचने के लिए आए हैं। और या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप फरिश्तों को गवाह बना के कहते हो कि या मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इनको ये जिस जन्नत के तलबगार बन के आए हैं मैंने इनको जन्नत दे दी और इस जहन्नम से बचने के लिए और उसकी आरजू लेकर आए हैं कि अल्लाह उनको महफूज रखे, मैंने उस इनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया और जहन्नम से महफूज कर दिया। या अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा दे, या अल्लाह हम पर रहमत फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर कर दे, या अल्लाह हमारी औलादों को साले और सआदतमंद बना, या अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तों और बरकतों और कामयाबियों और सरफराजियों से कामयाब और कामरान फरमा। या अल्लाह हमारे लिए आँखों की ठंडक बने और हमारे लिए दिल की राहत का बायस बने, या अल्लाह उन्हें दीनदार बना, तेरे भी फरमा बरदार हों और हमारे भी कहे कार हों। और या अल्लाह हमारी आँखों की ठंडक बने, या अल्लाह हमारी औलाद के सारे मसाइल सीधे कर दे, सारी परेशानियाँ दूर कर दे, हमें भी शिफा अता फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो फौत हो गए उनकी बख्शिश फरमा, भाई मुनव्वर की बख्शिश फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा, इस मदरसे को उनके लिए सदका जारिया बना और हमारी बहन को भी या अल्लाह आफियत दे और या अल्लाह उसके ऊपर रहमत फरमा और या अल्लाह कामों में बरकत अता फरमा। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबके हक में हमारी खैर की दुआ कबूल फरमा, सबकी हिफाजत फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो आरजू जो आस मुराद लेके बैठे हैं अपनी रहमत से पूरी फरमा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद दे दे। अल्लाह जो वालिदैन बच्ची बच्चियों के बच्चों और बच्चियों के रिश्ते नाते के मामले में परेशान हैं उनके लिए आसानी फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें इज़्ज़त बरकत वाला रोज़गार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज उतार दे। या अल्लाह जो तंग दस्त हैं उनको वसत बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो किसी भी मामले में परेशान हैं उनकी परेशानी
परेशानी दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे, बख्शों से सरफराज फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। या अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सबको जन्नत का वारिस बना, जन्नत वाली राह पे लगा, जन्नत वाले अमाल की तौफीक अता फरमा, जहन्नम वाली राहों से और जहन्नम वाले अमलों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी औलादों की हिफाजत फरमा। और हम सबको या अल्लाह माँ बाप समेत, बीवी बच्चों समेत, बहन भाइयों समेत और अपने दोस्त अहबाब समेत या अल्लाह सबको जन्नत में दाखिल फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रहमत से या अल्लाह जामे कौसर नसीब फरमा, और या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा, और जन्नत में उनकी ज़ियारत और उनका क़ुर्ब और उनकी रिफाकत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दी व रसूली मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुकल्लाहुम्मा व अतूबु इलैक। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين।